हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूराइट पर। हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गणित। हमारा आज का टॉपिक है आव्यूह, जिसका यह तीसरा भाग है। आज हम जानेंगे आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर, अदिश राशि का आव्यूह से गुणा, आव्यूह का गुणा, और अंत में आज की वीडियो के आधार पर हम आपको कुछ प्रश्न देंगे जिन्हें आप अभ्यास के लिए कर सकते हैं। बात करते हैं आव्यूह के योग के बारे में। दो आव्यूह का योग हम तभी कर सकते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। यदि आव्यूह की कोटियां भिन्न भिन्न हैं, तो हम उन आव्यूह को जोड़ नहीं सकते हैं। तो समान कोटि के आव्यूह को जोड़ने पर हमें जो तीसरा आव्यूह मिलेगा, उसकी कोटि भी वही होगी जो हमारे पहले के दो आव्यूह की होगी। और जो हमें तीसरा आव्यूह प्राप्त होगा, उनके अवयव पहले दो आव्यूह के संगत अवयवों के योगफल के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए हमने दो आव्यूह लिए हैं, आव्यूह ए जिसके अवयव हैं 2, 4, 5, 9, और आव्यूह बी जिसके अवयव हैं 5, 6, 7, 5। चूंकि दोनों समान कोटि के अवयव हैं, जिनकी कोटियां 2x2 हैं, इसलिए हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं। तो हमारा जो परिणामी अवयव मिला है ए प्लस बी, उसके अवयव हैं 7, 10, 12 और 14, जो हमें ए और बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर मिले। अब बात करते हैं अवयवों के अंतर के बारे में। तो अवयवों के योग की तरह ही अवयव का अंतर भी तभी निकाला जा सकता है जब उनकी कोटियां समान हो, और हमें जो परिणामी अवयव प्राप्त होगा, उसके अवयव पहले दो अवयव के संगत अवयवों के अंतर के बराबर होंगे। उदाहरण के लिए हमने दो अवयव लिए हैं ए और बी, जिसमें ए के अवयव हैं 4, 6, 7, 3 और बी के अवयव हैं 3, 5, 5, 10। चूंकि दोनों की कोटियां बराबर हैं, इसलिए हम इनका अंतर निकाल सकते हैं। और जो हमें परिणामी अवयव प्राप्त हुआ है ए माइनस बी, उसके अवयव 1, 1, 2, -7 हैं, जो कि ए और बी के संगत अवयवों के अंतर के बराबर हैं। जैसा कि हमने बताया था, ए माइनस बी की कोटि 2x2 है, जो कि ए और बी की कोटि के समान ही है। अब हम बात करते हैं आव्यूह को किसी अदिश राशि से गुणा करने के बारे में। सामान्यतः आपने अदिश और सदिश राशियां पढ़ी होंगी, परंतु आव्यूह के संदर्भ में संख्याओं को अदिश राशि कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 1/2, 2/3, -1, -2 आदि। किसी भी कोटि के आव्यूह को अदिश राशि से गुणा किया जा सकता है। यहाँ पर अदिश राशि से गुणा करने में आव्यूह की कोटि का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। किसी आव्यूह को अदिश राशि से गुणा करने पर उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होता है, और परिणामी के अवयव दिए गए आव्यूह के संगत अवयवों में अदिश राशि से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। किसी आव्यूह को अदिश राशि के से भाग करने का मतलब यह होता है कि उस आव्यूह में 1/k से गुणा कर दें। ये तो जाहिर सी बात है कि k 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम 1/k को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं अदिश राशि से आव्यूह का गुणन। इसमें अदिश राशि k का मान लिया गया है 2, और हमारा आव्यूह a बराबर है 2, 4, 5, 9। तो आव्यूह का अदिश गुणन है k a, मतलब 2a, और अदिश राशि से गुणा करने का मतलब है कि आव्यूह के प्रत्येक अवयव में अदिश राशि यानी कि 2 से गुणा कर दें, और जो हमारा परिणामी अवयव प्राप्त हुआ है वो है 4, 8, 10, 18। अंत में बात करते हैं अवयवों के गुणा के बारे में। दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मान लीजिए हमारे पास दो अवयव हैं, जिसमें से पहले अवयव की कोटि है 1x2 और दूसरे अवयव की कोटि है 2x4। तो हम देख रहे हैं कि पहले अवयव में जो स्तंभों की संख्या है वो 2 है, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या भी 2 है। तो इस प्रकार हम इन दोनों अवयवों का गुणा कर सकते हैं। और यहीं पर यदि हम ले लें कि पहले अवयव की कोटि 3x4 है और दूसरे अवयव की कोटि 5x6 है, तो इस प्रकार के अवयव को हम गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है।
मान लीजिए हमारा जो पहला अवयव है, मान लीजिए हमारा जो पहला अवयव है उसकी कोटि एम क्रॉस पी है, और जो दूसरा अवयव है उसकी कोटि पी क्रॉस एन है। तो हम देख रहे हैं इसमें जो पहला अवयव है उसमें स्तंभों की संख्या पी है, तथा जो दूसरा अवयव है उसमें पंक्तियों की संख्या पी है। यहाँ पर हम इन दोनों अवयव का गुणा कर सकते हैं जिससे हमें एक अवयव ही प्राप्त होगा, और इसकी कोटि एम क्रॉस एन होगी। मान लीजिए हमें अवयव ए और अवयव बी का गुणा करना है, और उससे जो हमें प्राप्त होता है वो सी है। तो अवयव सी के आई पंक्ति और जे स्तंभ पर जो अवयव है उसका मान निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। अब इस फार्मूले को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें सी आई जे ज्ञात करना है, तो हम अवयव ए की आई वी पंक्ति को लेंगे और अवयव बी के जेवे स्तंभ को लेंगे। तो ए की आई वी पंक्ति में उतने ही अवयव होंगे जितने कि बी के जेवे स्तंभ में होंगे। अब संगत अवयवों को गुणा कर देंगे, और जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसे हम जोड़ देंगे। मतलब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और पीवे को पीवे से गुणा कर देंगे, और सभी गुणनफलों को जोड़ देंगे जिससे हमें आई जेवा अवयव प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दो अवयव को गुणा करने के लिए प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो दो अवयव यदि हैं ए और बी, उनका यदि गुणनफल संभव है तो यह आवश्यक नहीं कि उनका उल्टा है, यानी कि बी और ए का भी गुणनफल संभव हो। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं अवयव के गुणा के बारे में। यहाँ पर हमने दो अवयव लिए हैं, अवयव ए जिसकी कोटि है 3 क्रॉस 2, और अवयव बी जिसकी कोटि है 2 क्रॉस 3। यहाँ हम देख सकते हैं कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो हमारा ए और बी का गुणनफल संभव है। तो अवयव ए बी के प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव की कैलकुलेशन को देख लेते हैं, बाकी इसी प्रकार होंगी जो आप कर लेंगे। क्योंकि हमें ए बी के प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव ज्ञात करना है, तो हम अवयव ए की प्रथम पंक्ति लेंगे और अवयव बी का प्रथम स्तंभ लेंगे। अब दोनों के संगत अवयवों को गुणा करेंगे, और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे जोड़ देंगे। तो हम 2 को 3 से गुणा करेंगे और 4 को 5 से गुणा करेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें 26 प्राप्त हुआ है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज के वीडियो के आधार पर हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिन्हें आप अभ्यास के लिए कर सकते हैं, और इनका उत्तर हम अपनी अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि आपने सही से प्रश्नों को किया है या नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अवयव के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।